हार गए हैं ये दोनों, दोनों हार चुके हैं, फिर भी शर्म नहीं लोगों को। सो गाइस, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आई वांट टू विश हैप्पी मदर्स डे टू ईच एंड एवरी मदर, स्पेशली सीफेयर्स की जो भी मदर्स हैं उनको मैं हैप्पी मदर्स डे बोलना चाहता हूँ। अगर आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ अपनी मम्मी को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे ज़रूर बोलना। एंड फॉर माई मदर, मॉम हैप्पी मदर्स डे टू यू, थैंक यू सो मच, इतना बड़ा कर दिया आपने मुझे, इतना बड़ा, इतना होनहार कर दिया, थैंक यू सो मच। सो वेल, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड हाल कुछ ठीक नहीं चल रहा है, अभी 3 दिन हो गए हैं, ड्राई डॉग शुरू हो चुका है और ऐसे जा रहा है टाइम, ठकाठक ठकाठक ठकाठक। सो गाइस, मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो भी हमारा COVID-19 का टेस्ट रिजल्ट है वो आ गया है, एवरीवन इज सेफ नाउ। हो ये रहा है, हमारा COVID-19 टेस्ट एक्चुअली इसलिए हुआ क्योंकि ये जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है, हम लोग यहाँ पर 2 महीने अराउंड रहने वाले हैं, तो उन्होंने हमको बोला कि आपका COVID-19 टेस्ट होगा। अभी एक टेस्ट हुआ है, 10 दिन के बाद और एक टेस्ट होगा, एक टेस्ट में सब नेगेटिव, ऊपर वाले की मेयर, थैंक यू सो मच। अभी हम लोगों ने फुल ऑन प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दिया है, मास्क तो हम लोग हमेशा ही पहनते हैं, मैं थोड़ा केयरलेस हूँ तो ग्लव्स व्लव्स नहीं पहनता हूँ, बट आई एम सैनिटाइजिंग माई सेल्फ और हैंड वॉश बराबर कर रहा हूँ, एकदम बढ़िया। तो अभी आपको मैं ले जाता हूँ अपने पहले इंजन रूम में, दिखाता हूँ क्या सीन चल रहा है। सो गाइस, दिस इज़ आवर इंजन रूम, ड्राई डॉक में ऑलरेडी हम लोग ड्राई डॉक में हैं और सामान ऊपर नीचे चल रहा है। दिस इज़ द फर्स्ट प्लेटफॉर्म, बॉयलर का सब कुछ काट दिया गया है स्क्रबर टावर लगाने के लिए, यहाँ से एग्जॉस्ट जाएगा, वो सब पाइपलाइन वो नीचे लेके जा रहे हैं। नीचे प्लेटफॉर्म में भी बहुत कुछ चल रहा है। अभी एक्चुअली इन लोग का लंच टाइम है और बहुत इंजन रूम शांत लग रहा है, आपको देख के लग रहा है, कोई मशीनरी अभी चल नहीं रही हमारी, और यही ड्राई डॉक चल रहा है अभी फ़िलहाल, और हम लोग जो हैं यहाँ पर ये सब चीज़ मॉनिटर कर रहे हैं, कुछ हमारा कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए या कुछ ऐसा, वो लोग काम कर रहे हैं, हम लोग बस उनको सुपरवाइज कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं कि सब ठीक से जाए, दैट इज़ अवर ड्यूटी नाउ। एंड सब इन्होंने तहस नहस कर दिया है इंजन रूम, मेरा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है इंजन रूम, मतलब ड्राई डॉक का, और मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, सो आई हैव अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। बस प्रॉब्लम एक यहाँ पर एक चीज़ यह हो रही है कि हम लोग को बहुत प्रिकॉशंस लेने पड़ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करके रखनी पड़ रही है, उतनी नहीं हो रही है क्योंकि काम है, बट ये फेस मास्क, हैंड ग्लव्स, सैनिटाइज करना अपने आप को, हाथ धोना बराबर, ये सब बराबर चल रहा है। एक्चुअली कल से मेरा भाई मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि एक छोटी सी वीडियो सेंड करो प्लीज़, उसको भी एक वीडियो बनानी है फॉर मदर्स डे। तो कल मुझे मौका नहीं मिला, कल मैं आया, तुरंत आया और सो गया जब करके, फिर सुबह उठा, गया इंजन रूम में और बहुत काम, मम्मी से बात किया, मैंने उनको विश भी किया बट मुझे टाइम नहीं मिला, फिर अभी जा करके शाम को मुझे टाइम मिला है, मैंने एक छोटी सी वीडियो उसको सेंड की है, तो वो अपने यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो लाएगा। अगर आप लोगों को मतलब अच्छा लगे तो प्लीज़ उसके चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, ही इज़ ऑल्सो मेकिंग वेरी गुड वीडियोज़, मेरा कॉम्पिटिटर आ गया है मार्केट में अब, एंड आई एम फीलिंग वेरी गुड फॉर हिम, बहुत हार्ड वर्क कर रहा है बेचारा इस चीज़ को लेकर के। चलो अभी तो उन लोगों को समझ में आ रहा है मेरा दर्द, जब मैंने शुरुआत किया था मोबाइल से, मेरे पास मोबाइल हुआ करता था और मैं एडिटिंग नहीं कर पाता था, आई यूज टू गेट फेड अप, तो वो वाली चीज़ मैं उसमें देख रहा हूँ, और जब वो मुझे पूछता है या मुझसे बात करता है इसके बारे में, तो मैं उसके चेहरा देख के मुझे हंसी आती है, मैं बोलता हूँ भाई अब आ रहा है असली मज़ा। सो गाइस, इफ़ यू आर नॉट चेक आउट हिज चैनल, प्लीज़ गो एंड चेक आउट, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उसका चैनल का नाम है कैप्टन श्वकाश, बड़ा अच्छा नाम दिया भाई, हम तो अपना नाम दिया, बहुत ही अच्छा नाम दिया है।
नाउ बहुत लोग बोल रहे थे कि ये आपका जो फिश आई लेंस से वीडियोस अच्छी नहीं आ रही है, बट यार ऑसम प्रोडक्ट है यार ये, मतलब मेरे बॉयलर सूट में से जेब में आ जाता है मस्त आराम से, मैं हाथ से ऐसे करके भी करूँगा तो वाइड एंगल बहुत ही कड़क है, एंड आई एम यूजिंग इट, ऑडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, कभी कभी मेरी उंगली फंस जाती है तो ऑडियो क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं हो जाती है, तो गाइज प्लीज़ हाँ, क्योंकि ये बड़ा वाला कैमरा मैं अपने साथ लेके नहीं रख सकता, और भी मेरी जेब में बहुत कुछ होता है तो मैं ये छोटा वाला कैमरा ही कैरी करना प्रेफर करता हूँ, वेरी नाइस मज़ा आ जाता है, टाइम लैप्स वीडियोज़ एवरीथिंग वेरी गुड, फोटोज़ भी बहुत अच्छे आ रहे हैं इसमें, सो मैं अभी इसी को यूज़ करूँगा मोस्टली, अगर मैं कैबिन में हूँ तो मैं इसको यूज़ करूँगा, नॉर्मली मुझे वीडियोस बनाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, अभी रात के 11 बज रहे हैं, बहुत मुश्किल से मैंने सोचा नहीं यार वीडियो बना लेते हैं, तो एक वीडियो हम बना रहे हैं एंड दिस विल कवर एवरीथिंग, जैसा कि आपने अभी अब देखा इंजन रूम का हाल बहुत खस्ता हो गया है, अभी स्क्रबर इंस्टॉलेशन का मेन इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है इंजन रूम में, इंजन रूम का सब कुछ, क्योंकि उनको पाइपलाइन बिछानी है तो सब कुछ तोड़ फाड़ दिया है, हम लोग की मोस्टली ड्यूटी ये है कि हम लोग को मतलब देखना है कि यार हमारी कोई चीज़ ना वो लोग तोड़ दे, वो क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, सब सेफ़ है कि नहीं, अब इंजन रूम इज़ सेफ़ साउंड, वही हम लोग को अभी फ़िलहाल देखना है, बट उसमें भी इतना खचपच है, एक इधर जाओ एक उधर जाओ, ऊपर जाओ एक नीचे जाओ, आज ये हुआ कि मेरे साथ बहुत कुछ करना पड़ेगा मेरे को, अभी बैलेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट रिपेयर करना है, उसकी एक टीम आई थी उसके पीछे मैं लगा हुआ था, उनको स्पैनर्स टूल्स उनको जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो सब दे रहा था, फिर बॉटम प्लेटफॉर्म में जा करके मुझे चेक करना पड़ रहा था कि भाई क्या सीन है क्या नहीं है, फिर ऊपर आए तो अब जहाज़ पे हवा कंप्रेस्ड एयर है नहीं बिकॉज सब कुछ हमने बंद कर दिया है, तो फिर शोर से हमने वो पावर लिया उसका कनेक्शन बिठाया उसका वॉल्स कैसे जाने हैं वो सब ट्रेस कर करके मेरा हाल बुरा हाल हो चुका है, आज चैलेंज टेबल टेनिस मुझे हराओगे बोलो एक गेम नहीं जीत पाओगे तुम, ठीक है देखते हैं, सो टुडे इज अ मैच बिटवीन मी एंड चीफ कुक, लेट्स होप who wins ठीक है ना रेडी हो, ऑफ कोर्स नहीं, हार के कैसा लगा बता दो, हार गए हैं ये दोनों हार चुके हैं फिर भी शर्म नहीं लोगों को, That was a young versus बुढ़ाऊ, ये दोनों बुढ़ाऊ हैं और हम लोग यंग हैं, हार चुके हैं फिर भी शर्म नहीं, एक और राउंड खेलेंगे। नहीं दूसरा मैच हार के कैसा लग रहा है? यार come on, express your feeling, अच्छा लग रहा है। नहीं चल रहा ना? दूसरा मैच हार गए लोग, फिर भी शर्म नहीं है, फिर क्या लोग हैं? और क्या? हाँ अभी साइड चेंज करेंगे। अभी हमारे इंजन रूम में मोस्टली 50 से 60 लोग आ जाते हैं, हर एक वर्कर की अपनी अपनी टीम है, कोई पाइपलाइन इंस्टॉलेशन कर रहा है, कोई काट रहा है, कोई वेल्डिंग कर रहा है, कोई कंट्रोल पैनल लेके आ रहा है, कोई स्क्रबर टावर लेके आ रहा है, नाव जो हमारा जहाज में पीछे फनल डेक था वहाँ पर ही साइड में स्क्रबर टावर लगेगा, अभी तक लगा नहीं है बट मैंने आपको फोटोज़ दिखाया है तो आप लोग समझ जाओगे क्या सीन चल रहा है, अभी धीरे धीरे होगा, 3 दिन हुए हैं, बुरा हाल हो चुका है, एंड बस सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, थोड़ा टायर्ड फील करते हैं तो सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, अभी कुछ वैसा वाला सीन नहीं आ रहा है क्योंकि सब लोग बिजी हैं, मतलब ख़तरनाक वाले बिजी हैं, मेरा फर्स्ट राइड हॉक है तो आई एम एक्सपीरियंसिंग एंड लर्निंग अलॉट, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है भाई, ऐसा भी होता है ऐसा भी हो सकता है, बहुत लोग बहुत कुछ नया नया सीख रहे हैं, हम भी बहुत कुछ नया नया सीख रहे हैं और सीनियर्स के सुपरविजन में हम लोग कुछ अच्छा करेंगे, ये अपना दावा है। एक्चुअली आज का वीडियो मैंने छोटा ही रखा है बिकॉज आई डोंट हैव मच टाइम नहीं है, कंटेंट बहुत है बट टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे, आई हैव द कैमरा विद मी बट सोचो शूट करने का भी टाइम नहीं मिल रहा है, इतना बुरा हाल है, तो आप लोग को थोड़ा मैंने अपना लाइफ स्टाइल का ग्लिम्स दे दिया होगा, शायद आप लोग को पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और प्लीज़ जाके मेरे भाई का चैनल सब्सक्राइब करिए, देखिए क्या बना रहा है बंदा, लॉकडाउन में पूरे मजे ले रहे हैं वो लोग, हमारी तो हालत खराब है, नाम का लॉकडाउन है अपना, तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लव्ड इट, ऐसे प्यार और 50K सुन, थैंक यू सो मच।